नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन और आप देखना होगा कि भाव परफॉर्मेंस कैसी कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि बहुत ज्यादा बिकवाली हम आज देख चुके हैं, पिछले एक हफ्ते में देख चुके हैं। हालत बहुत नाजुक है, लगातार भाव को टूटते हुए देखा, चाहे वो बेस मेटल्स हों, प्रेशियस मेटल्स हों या फिर अन्य कॉमोडिटीज हों। लेकिन अब क्या ये मौका है खरीदारी का, इस पर बात करेंगे और कुछ एडवाइस आपको दिलाएंगे। बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, एक लाइव कॉलर शो है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने कोई भी सवाल कमोडिटी मार्केट से जुड़े हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए 1800-1803545 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर 01-04258237, ये दो फोन लाइन मौजूद है, आप इन पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपडेट देते हैं कि यहां पर इस समय परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रही है प्रेशियस मेटल्स की, साथ साथ क्रूड की। गोल्ड पे गिरावट है, इनफैक्ट सुबह से ही काफी प्रेशर में, 100 रुपए के आसपास की गिरावट, अभी 92 रुपए नीचे, 25,000 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सिल्वर जो है वो 280 रुपए नीचे, प्रेशियस मेटल्स पे आज खरीदारी बनी नहीं। क्रूड ये कॉमोडिटी है, सुबह इनफैक्ट जितनी गिरावट थी उससे अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। निचले से कुछ 2% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। नेचुरल गैस 4% टूटा, अब कंफर्टेबली 140 के लेवल के नीचे आके कामकाज कर रहा है। तो क्रूड और साथ साथ नेचुरल गैस दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। बेस मेटल्स बहुत बिकवाली हमने पिछले हफ्ते में कॉपर में देखी थी, आज 1.5% के आसपास की बिकवाली फिलहाल देखने को मिल रही है। निकल कमजोर है, 4% टूट चुका है, 22 रुपए के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। जिंक 1% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, तो बेस मेटल्स में खरीदारी है ही नहीं, एक माइनर पुल बैक निचले रोज से बना है, लेकिन फिर भी कन्विक्शन की कमी है, अभी ट्रेडर्स यहां पर ग्रिप नहीं बना पा रहे, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की पोजीशंस भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। ग्वार सीड 4% नीचे, 3,408 का लेवल, साथ ही साथ ग्वार गम में भी 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, 280 रुपए का डेंट यहां पर पड़ा। अन्य कॉमोडिटी जैसे कि चना, यहां पर ओवर सप्लाई कंसर्न्स हैं, 1.5% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है, 75 रुपए की गिरावट है आज NCDX पर। और इसके अलावा गेहूं एक ऐसी कॉमोडिटी जो पूरी मार्केट पर आउट परफॉर्म कर रही है, 1.8% के गेंस दिखाई दे रहे हैं, 30 रुपए के आसपास के गेंस यहां पर आते हुए नजर आए। कुछ कॉल्स जो आपको मुनाफा दिला सकती है, उसमें एंजल कॉमोडिटी मानता है कि आप बेचकर चलें चांदी को 33,400 के लेवल पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में आएगा थोड़ा, इसमें ऊपर की साइड पर अगर आप बेचेंगे तो 33,800 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 2,200 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्रूड बेचने की सलाह एंजल कॉमोडिटी की, टारगेट है 2650 का, स्टॉप लॉस 2810 का लगाना होगा, दोनों ही कॉमोडिटीज बिकवाली कराए। और तीसरी बंपर कॉल जो आज की है वो है CPO बेचने की सलाह, पैराडाइम कॉमोडिटी की 380 के लेवल्स पे, थोड़ा और पुल बैक के बाद 372 के टारगेट्स और 384 का स्टॉप लॉस पैराडाइम कॉमोडिटी की ओर से। मेरे साथ इस समय अनुज गुप्ता जी जुड़े हैं, AVP एंजल कम्युनिटी के। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय बिजनेस को देने के लिए। स्ट्रेट यहाँ पर कॉलर्स ही लेते हैं क्योंकि आज मार्केट में जिस तरीके की हलचल है उसमें कई ऐसे कॉमोडिटीज जो अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। मेटल्स इनफैक्ट मैं अभी व्यूअर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे फोन लाइन दोबारा यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टेक आपका मेटल्स पे, क्या लगता है पुल बैक के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत बिकवाली तो ऑलरेडी हो चुकी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेलर्स की साइड पर ज्यादा है या फिर बाइंग होती हुई नजर आएगी? देखिए रजत जी, जो मार्केट में ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही है, बट अगर हम इंट्राडे परस्पेक्टिव से देखें और टेक्निकल चार्ट को अगर इवेल्युएट करें तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है, चाहे हम जिंक की या कॉपर की या फिर अगर हम लेड की बात करें, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, बट अगर मार्केट बाउंस ले, क्योंकि ओवरसोल्ड कैटेगरी में तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा, तो बाउंस होगा तो ही वहाँ पर शॉर्ट करके चलें, और अदरवाइज मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर शॉर्ट अवॉइड करें। लेकिन शॉर्ट अवॉइड करें, खरीदारी करें कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रभुलाल जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रभुलाल जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सवाल। किसान है जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। तो किसान है तो हाजिर में 50 बोरी ग्वार है, 50 बोरी मूंग है, अभी बेचना चाहिए, रुकना चाहिए या रुकना चाहिए तो कितना रुकना चाहिए या अभी बेचना चाहिए? अनुजी ग्वार पे आपकी राय क्या मानते हैं, यहाँ पर भाव और टूटेगा? जो ट्रेंड है वो अभी डाउनसाइड का है, हमने देखा है कि सभी पल्सेस में गिरावट देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि इनके पास अगर ग्वार सीट है तो अभी यहाँ पर निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट लेवल से 100-200 रुपए गिरावट और आ सकती है, तो ओवरऑल ट्रेंड में थोड़ी वीकनेस हुई है, तो मुझे लगता है कि जिनकी बाइंग पोजीशन है वो एक बार यहाँ पे निकल सकते हैं। चलिए इसी बीच अनिल जी सिरसा से फोन लाइन पे मौजूद है। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर मस्टर्ड पे पता करना, मस्टर्ड अभी शॉर्ट है फिर भी रेट नहीं आ रहा, किस लेवल पे पोजीशन है आपकी? मेरी ये जी मस्टर्ड पे है जी, मस्टर्ड पे। चलिए ठीक है, अनुज जी आपकी राय? देखिए मुझे लगता है कि RM सीड में अभी और गिरावट देखने को मिल सकते हैं, हालांकि हमने देखा है कि आज
काफी ज्यादा नीचे प्राइस देखने को मिले। इवन प्राइस करीबन 4020-30 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि अभी और यहाँ पर मस्टर्ड सीड इवन पूरे ही ऑयल सीड पैक में यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो जिनको अगर बाई करना है वो यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे बिकवाली करके चले। नीचे इनिशियल टारगेट करीबन 4550 और उसके नीचे 4500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर, गोल्ड और सिल्वर पे आपका आउटलुक क्या है? प्रेशियस मेटल्स में भी तो खरीदारी हो नहीं रही है, इनफैक्ट कमोडिटी मार्केट पे छुपने का मौका बहुत कम है। कौन सी ऐसी कमोडिटी जो आउट परफॉर्म करेगी? पहले तो प्रेशियस मेटल्स पे आप यहाँ पर अपनी राय दें, ये भाव टूटते हुए और नजर आते हैं या फिर एक पुल बैक के लिए तैयार हो रहे हैं प्रेशियस मेटल्स? देखिए रजत जी, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, चाहे हम गोल्ड या सिल्वर की बात करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो मेन मुद्दा है वो अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एंटिसिपेशन आ रहा है कि वो है कि बुलियंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी भी ट्रेंड डाउन है, तो बाइंग से भी बचना चाहिए। थोड़ा सा पुलबैक अगर मिले तो बिकवाली करके चले। मुझे लगता है कि इस बार मार्केट में बिकवाली करके एक अच्छी रिटर्न निकाली जा सकती है। राइट, लेकिन जो आपने बात करी रेट हाइक की, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती चली जा रही है, वो इफेक्ट करेगी पूरी कॉमोडिटीज को। तो ऐसे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं पर्सपेक्टिव लूँ अगले 1-1.5 महीने का, क्योंकि उसके बाद तो फेड का आउटकम यहाँ पर आ ही जाएगा, उससे पहले करेंसी मार्केट्स पे अप्रोच क्या होगी, प्रेशियस मेटल्स कैसे परफॉर्म करते देखते हैं, क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दिया आपने? देखिए, हमने क्लाइंट्स को गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली की सलाह दी है। हमें लगता है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नीचे गोल्ड जैसे भी 25,150 के आसपास चल रहा है, तो हमारा टारगेट जो है वो नीचे करीबन 24,800 से लेकर 24,700 तक का टारगेट है गोल्ड में। और सिल्वर की अगर बात करें तो नीचे करीबन 32,000 तक हमें लगता है कि चांदी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम वाइस वर्सा करेंसी की बात करें तो हमें लगता है कि करेंसी थोड़ी डेप्रिशिएट रहेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अगर तेजी होगी तो हमारी इंडियन रुपीज यहाँ वीक हो सकता है। तो हमारा वहाँ पर जो टारगेट हमने दिया है करीबन 66.80 से लेकर 67 तक का टारगेट दिया है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा एडवर्स रहेगा और बुलियंस में बिकवाली रहेगी, इंडियन रुपीज थोड़ा डेप्रिशिएट होगा। राइट, इसी बीच गौरव जी से बात करते हैं, छतरपुर से लाइन पे मौजूद हैं। गौरव जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, नमस्कार जी। सर, मैं मस्टर्ड 2 साल से होल्ड करके रखा हूँ। अच्छा, किस लेवल पे पोजीशन है आपकी? सर, मैंने ये 3100 के अराउंड खरीदा था। राइट सर, ये इसका सर जो अभी जो लेवल 5000 के अराउंड था वो मिलेगा कि अपन को और आगे तक और कब तक बेचना चाहिए सर? और दूसरा सवाल, आपने बार्ले भी सवाल पूछा, वहाँ पे पोजीशन है क्या? जी सर, बार्ले का आउटलुक क्या होगा? राइट, ये भी ऐसी कॉमोडिटी जो आउट परफॉर्म करके गई है इनफैक्ट अक्टूबर से अब तक। सर, बार्ले पे आपका व्यू जानना चाहूंगा अनुज जी, और साथ ही साथ मस्टर्ड पे आप ऑलरेडी टेक दे चुके हैं, लेकिन इनकी खरीद काफी नीचे की, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मुझे लगता है कि इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव में इन्वर्स हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि करंट लेवल से 250-250 रुपये की गिरावट और देखने को मिले। तो बेटर ये रहेगा कि ये अपने एक बार मस्टर्ड की कॉल में प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर हम बार्ले की बात करें तो मुझे लगता है कि बार्ले के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है, तो हो सकता है कि ऊपर करीबन 1500 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट, इसी बीच मेरे साथ बिरेन वकील जी भी जुड़ चुके हैं, सीईओ पैराडाइम कॉमोडिटी के। बिरेन जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जीवन को देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जो कार्नेज हुआ और बेस मेटल्स पे, प्रेशियस मेटल्स पे, क्रूड में जिस तरीके की फॉल आई है, क्लाइंट्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं आप, और क्या ये बिकवाली थमती हुई नजर आती है अब इन स्तरों पर आपको? अभी भी मैं ओवरऑल शॉर्ट साइड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना से लगातार स्टिमुलस होने के बावजूद भी मार्केट को सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो चाइना की पोजिशन इकोनॉमिक मेलाइस शायद ज़्यादा गहरा है। अभी शायद हेज फंड्स तो सब शॉर्ट हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग लिक्विडेशन आना बाकी है, स्पेशली इंडेक्स फंड का। तो अगर इंडेक्स और हाई बीटा फंड की एनहेंस अल्फा फंड की प्रॉप डेस्क की सेलिंग आएगी तो मैं भी हम और 10-15% सेल ऑफ यहाँ से देखेंगे। चलिए, इसी बीच अगले व्यूअर के पास चलते हैं और उनसे अपना सवाल पूछने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ अभी आकाश जी जुड़े हैं ललितपुर से। आकाश जी नमस्कार। जी सर जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, तिलहन के बारे में पूछना है। तिलहन में क्या पोजीशन बताएं सर, क्या पोजीशन बना रखी है आपने? 600। कौन सी कॉमोडिटी? आकाश जी, आपकी आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही, आप मेरे को सुन पा रहे नहीं? मेरे को इनकी बात स्पष्ट नहीं समझ में आई, लेकिन अनुज जी आपका एक छोटा सा टेक मैं यहाँ पर सोयाबीन सोया ऑयल पे जानना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर ये प्राइसेस और ड्रिफ्ट होते हुए नजर आते हैं, स्पेशली सोया ऑयल के प्राइसेस? जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो 2 दिन पहले ही एक्सचेंज ने इन एग्रीकल्चर कमोडिटी के ऑल सीड पैक में मार्जिन्स बढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है कि उसका प्रेशर यहाँ देखने को मिलेगा। इवन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट जो थी वो ओवरबॉट कैटेगरी में थी, अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें, तो मुझे लगता है कि पूरे ही ऑयल सीड पैक में गिरावट देखने को मिल सकती है।
हमारा व्यू ये कि अगर हम सोयाबीन की बात करें तो नीचे करीबन 3750 रुपए तक लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर रिफाइंड की बात करें तो नीचे करीबन 595 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और आरएम सीड मुझे लगता है कि सरसों के अंदर भी करीबन 4550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ऑयल सीड की बात करें तो मुझे लगता है कि गिरावट का रुख यहाँ पर जारी रहेगा। राइट बिरेन जी, क्रूड पे अपना आउटलुक बताएं, क्या करना चाहिए इस लेवल पे? सुबह जितनी बिकवाली थी उससे तो रिकवरी हो गई, लेकिन कन्विक्शन है क्या? टूट चुकी है ऊपरी स्तरों पे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन अब इन स्तरों पर क्या एडवाइस होगी? क्या ओवरसोल्ड है, खरीदारी बनती है यहाँ पे? ओवरऑल मैं एंटायर एमसीएक्स पैक पे मैं समझ रहा हूँ कि वॉल्यूम जो 2008-10 की तुलना में सिर्फ 10% बच गए हैं, तो एक्सट्रीमली इनलिक्विड मार्केट है, तो यहाँ कन्विक्शन मेरा किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि बेस मेटल में अभी भी फेयरली मैं बेरिश हूँ, स्पेशली कॉपर में। कॉपर को छोड़ के हुए जिंक, लेड और क्रूड, ये चीज़ों में लिक्विडिटी काफ़ी बेहद कमज़ोर है, तो टेक्निकल इसमें वर्क नहीं करते। राइट, फिर भी आपके जहन में क्रूड पे, एमसीएक्स क्रूड पे दाम क्या आ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? अभी 2780 का दाम दिखाई दे रहा है सर। यहाँ मैं एक मोमेंटम कॉल प्रेफर करूंगा, अगर मार्केट 2690 ब्रेक करता है तो मैं 2690 पे शॉर्ट जाऊंगा, 2770 का स्टॉप लॉस और 2610 का टारगेट रहेगा, या तो हल्की सी बाउंस मिलेगी मेरे को 2770 के आसपास, तो 2830 के स्टॉप से सेल में जाऊंगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते देख लेते हैं आज की इवनिंग कॉल्स कौन सी। आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन, बिरेन वकील जी और साथ साथ अनुज गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, और आपके सवालों के ऊपर आपको एडवाइस दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कम्युनिटी पे प्रश्न पूछने के लिए मेरे साथ अभी राजेंद्र जी जुड़े हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपकी वॉइस तो बिल्कुल ब्रेक कर रही है, एक बार फिर से बताएं किस कम्युनिटी पे सौदा है आपका? ठीक है बिरेन जी, आपकी राय, जीरा 3% ऊपर है आप, इनफैक्ट यहाँ पर ये जो कॉमोडिटी है पिछले कुछ दिनों में लगातार एक रेंज में बनती हुई नजर आई, लेकिन आज जिस तरीके की तेजी है क्या वो सस्टेन होती हुई नजर आती है? गोइंग फॉरवर्ड कहाँ तक के टारगेट्स दिख रहे हैं आप बिरेन जी? जीरा में 15400 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा सा सपोर्ट है, वहां से मार्केट बार बार बाउंस ले रहा है, अपसाइड में 16180 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 16400 सेकंड टारगेट रहेगा, 16800 थर्ड टारगेट रहेगा। कपास ओवरऑल मैं बेरिश हूँ, अगर 831 ब्रेक करता है तो शायद 810 तक आ जाना चाहिए, अपसाइड ओवरऑल मैं 850 पे शॉर्ट जाऊंगा, 865 टारगेट स्टॉप लॉस और 830 का टारगेट। राइट, संदीप जी ने फोन किया उत्तर प्रदेश से, संदीप जी पूछे क्या पूछना चाहते हैं सर? हेलो सर, मुझे मेंटा पर सवाल करना है। हाँ जी बताइए, पोजीशन क्या आपकी? मतलब नवंबर में कहाँ तक करे जाएगा और मतलब दिसंबर में कहाँ तक जाएगा, मतलब मेरे फिजिकल में 1100 खरीदे 2 क्विंटल। अच्छा अनुज जी आपकी राय, 1100 के भाव देखते हैं आप? नहीं मुझे लगता है कि 1100 के भाव तो नहीं आएंगे, बट हाँ ऊपर में 950 से लेकर 980 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर हम देखें तो लोअर लेवल से काफी अच्छा बाउंस हुआ है और वॉल्यूम भी थोड़े इंक्रीज हुए हैं, तो इनिशियली जो हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 950 से लेकर 980 की रेंज हम टारगेट कर रहे हैं। राइट, एंड डिप के चांसेस ज्यादा हैं, ओवर सप्लाई कंसर्न्स तो नहीं है यहाँ पर? आप समझते हैं कि इस कॉमोडिटी में तेजी बनती हुई नजर आएगी गोइंग फॉरवर्ड? जी बिल्कुल। राइट ठीक है, तो इसी बीच मेरे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी नमस्कार, पूछिए सर क्या पूछना चाहते हैं? अमेरिका में होगी चांदी कितनी मंदी और हो सकती है, किस बात पर निवेश करना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए? नहीं, आपने अभी का अभी तो मेरे पास 5 किलो चांदी है 35,000 की, पर मैं ये जानना चाहता हूँ दिसंबर में क्या भाव बन जाएगी और किस भाव पे इन्वेस्ट लेनी चाहिए। ठीक है बिरेन जी, सिल्वर पे आपका आउटलुक देखिए, अगर बेस मेटल्स में कह रहा हूँ टूट रहे हैं तो सिल्वर तो इनफैक्ट उसी पैटर्न पे चलता चला जा रहा है, 38,000 के लेवल इस महीने की शुरुआत में थे और अब 33,000 के लेवल देखने को मिल रहे हैं,
क्या आपका आउटलुक है अगर एक महीने का पर्सपेक्टिव फेड रेट हाइक से पहले इस कमोडिटी पे क्या किया जाए? अगर फेड रेट हाइक नहीं आता है तो इसमें हल्का सा बाउंस आ सकता है, लेकिन फेड रेट आएगा तो अभी वैसे तो डिस्काउंटेड है, लेकिन बेस मेटल जब तक ऊपर नहीं आएगा तब तक सिल्वर में दबाव जारी रहेगा। बट फिर भी ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है तो मैं फ्रेश शॉर्ट पोजीशन करंट प्राइस पे लेना नहीं चाहता हूँ। राइट, ओवरसोल्ड है, आप फ्रेश शॉर्टिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन अनु जी आपका भी टेक जानना चाहूंगा, बहुत बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है सर, क्या लेवल्स देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है सिल्वर के लिए अभी? देखिए इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट रेट का डिजाइन, अगर वो इंटरेस्ट रेट फेवरेबल रहता है और बढ़ाते थे इंटरेस्ट रेट तो हम एक करेक्शन देखेंगे, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जिस तरह का ट्रेंड बना है गोल्ड और सिल्वर में तो मुझे लगता है कि बिकवाली यहाँ पर और आ सकती है। नीचे अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 32,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है, मीन्स अगर हम कॉमेक्स में देखें तो करीबन 13.20 और $13 के आसपास एक अच्छा लेवल रहेगा, जहाँ से जिनको अगर बाइंग करनी है तो वहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। राइट, अभिरन जी हल्दी में क्या किया जाए, टर्मरिक पे आपकी राय, क्या स्ट्रेंथ और आती नजर आती है आपको टर्मरिक पे? टर्मरिक बेसिकली 9300 10,200 के बीच रहनी चाहिए, लंबा क्रॉप है और इसकी सीजन में उसका माल फरवरी मार्च में आता है, तो फिलहाल ऐसा मानता हूँ कि 9293 के नीचे नहीं जाएगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। राइट, इसी बीच मेरे साथ चंद्रेश जी बठिंडा से जुड़े, चंद्रेश जी नमस्कार। चंद्रेश जी सुन पा रहे मुझको तो अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा बिरेंद्र के लिए सवाल है, अपनी मार्च कपास खली पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए इसमें? रयानु जी कपास पे आपका व्यू? देखिए कपास में देखिए तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड बना है वो नेगेटिव ही बना है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कॉटन कपास में थोड़ी गिरावट हो सकती है। अगर हम कपास पर्टिकुलर देखें जो कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे लगता है कि उसमें 820 से लेकर 810 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली का एक अच्छा ऑप्शन कर सकते हैं। राइट, राजीव जी से बात करते हैं, गुड़गांव से उन्होंने फोन किया। राजीव जी नमस्कार, क्या पोजीशन है आपकी, किसी कॉमोडिटी पे लॉन्ग है अभी आप? कॉपर पे पूछना चाहता हूं, फिलहाल क्या करना चाहिए? किया क्या अभी तक आपने, तेजी की पोजीशन में है क्या? हाँ जी, मेरी जी वो 155 पे एनजी बाय है जी। कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं आप, कितने लेवल पे, कौन सा लेवल? एनजी पे 155 पे बाय है और कॉपर है जी 330 पे। 320 आपने बोला कैप्रोल कॉपर? हाँ 330। 330 और नेचुरल गैस जिस तरीके की बिकवाली हुई है, अगर बाउंस आया भी वापस अगर रिबाउंड भी देखने को मिला तो कहां तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, क्या वापस 330 तक के लेवल्स तक पहुंच सकता है? और दूसरा नेचुरल गैस जिस रफ्तार से टूटा है क्या ये भी पलटने का चांस है इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी में? नेचुरल गैस काफी ओवरसोल्ड है, लेकिन इसका जो कैश कैरी है मतलब ब्याज बदला रोल ओवर प्रीमियम 13 रुपया है, वो बेहद ऊंचा है, तो ये इतना नीचा होते हैं फिर भी लेना तो नहीं चाहिए और 140-145 पे निकल जाना चाहिए। कॉपर मुझे बाउंस में शायद 307 से 312 तक दिखता है, लेकिन अगर 291 ब्रेक करे तो मैं समझता हूँ कि ये 282-271-262 तक आ सकता है। ह्यूजली सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से बेस मेटल्स पे, इन लेवल पे अगर पुल बैक आया भी तो वो एक यूज होगा एज एन अपॉर्चुनिटी बेचने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी बिकवाली के फेवर में है नहीं, मैं आपको कम्प्लीटली बता दूं। उर्वशी जी ने फोन किया है उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। उर्वशी जी नमस्कार, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने क्रूड 2770 पे सेल किया था, तो मेरा तो स्टॉप लॉस 2830 का था, वो टिकर हो गया अब। राइट, ठीक है, एक बार फिर से आप बताएं किस लेवल पे आपने सेल किया था ये कमोडिटी? 2770 पे सेल किया था। राइट, तो 2830 का स्टॉप लॉस था, टिकर हो गया, अब उसका कैसे करा जाए? राइट, अब अनुज जी देखिए दबाव तो है नो डाउट, लेकिन अब इनको अपनी पोजीशन कैसी हैंडल करनी चाहिए, जिस लेवल पे इन्होंने शॉर्ट किया था उस लेवल से थोड़ा ऊपर आ गया, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी सडनली एक मूवमेंट आया है अपसाइड मूवमेंट, मुझे लगता है कि एक बार ये जो मूवमेंट है करीबन 2840-50 के आसपास सेटल होगा, मींस अगर हम डॉलर वाइज देखें तो करीबन 42.50 के आसपास सेटल हो सकता है, तो वहां पर अगर मिलता है तो वहां पर अगेन शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउनसाइड का ही है, जैसे मार्केट शॉर्ट कवरिंग से ऊपर की तरफ आया है, तो 2840-50 के आसपास दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे अगेन 2790-2780 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। राइट, बिरेंज चने भी आपका आउटलुक क्या करना चाहिए, थोड़ी कमजोरी तो जरूर देखने को मिली लेकिन उसको क्या ट्रेडर्स एब्जॉर्ब करेंगे, क्या खरीदारी होती देखते हैं आप, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी है चना ये अगर देखें तो पिछले हफ्ते बिल्कुल एक लैकलस्टर मोमेंट एक रेंज में पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन आज 2% से ज्यादा टूट चुका है, क्या करना चाहिए? ओवरऑल मैं बेरिश हूं, मतलब एंटायर कमोडिटी सेक्टर एंटायर एज ए होल बेरिश हूं मैं। राइट, अनुज जी आपका टेक चने पे?
देखिए चने में देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड है, मुझे लगता है कि चने में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आज भी मार्केट डाउनसाइड रहा है और वीकली बेसिस पे देखें तो वहाँ भी नेगेटिव ही क्लोजिंग हुआ है, तो मुझे लगता है कि नीचे 4850 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, मंगीलाल जी ने हमको कॉल किया, उनका प्रश्न लेते हैं। मंगीलाल जी नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं गुवाहाट से पूछना चाहता हूँ, आने वाले 5-10 दिन में गुवाहाट कहाँ तक जाएगा सर? आउट पोजीशन बताए, पोजीशन कुछ बना रखी है क्या अभी? सर पोजीशन अभी तो कुछ नहीं सर, हमारे पास स्टॉक है गुवाहाट। अच्छा राइट, बीरेन जी आपकी राय गुवाहाट पे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 3-4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए? गवार में बेसिकली प्राइस लेवल बेहद आकर्षक है लेकिन फंडामेंटल इतने ही अनाकर्षक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से भी 200-300 रुपया डाउनसाइड बाकी है अभी शॉर्ट टर्म में। राइट, चलिए तो ये तो आपके सवालों के ऊपर आपको एडवाइस दिलाई गई बाजार के एक्सपर्ट से, लेकिन अब ऐसी कौन सी कॉमोडिटीज जो आपको मोटा मुनाफा दिला सकते हैं, देखते रैपिड फायर। बिरन जी पहली कॉल आपकी ओर से, कोई गोल्ड पे बाउंस एक्सपेक्ट अगर आए तो 25-280 के आसपास शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 25-480 वाइडेस्ट स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा वॉल्यूम और डाउनसाइड ऑब्जेक्टिव 24970 रहेगा पोजिशनल कॉल। राइट अनुज जी, दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी? देखिए दूसरी कमोडिटी लेड में रहेगी, जहां हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नीचे 102 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। राइट बिरन जी, आज की आखिरी कमोडिटी जहां पर बंपर कमाई हो सकती है सर वो बताएं। यहाँ मैं सीपीओ में सेल प्रेफर करूँगा, 378-379 स्टॉप लॉस रहेगा, 381 और टारगेट रहेगा 371-372। राइट, बहुत शुक्रिया आप दोनों के मेरे साथ जुड़ने के लिए। गोल्ड सेल, लेड सेल, सीपीओ सेल, यहाँ पर जो कॉल्स निकल के हैं आखिरी में, इन सभी कॉमोडिटीज में क्वालिटी रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जी बिजनेस पर जारी है, आप देखते रहिए जी बिजनेस।